दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन बाइक डाउन 3D गेम की कस्टम वीडियो में। दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, भाई इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में ट्रैक्टर का अपडेट आएगा क्या, और आएगा तो कब तक आएगा दोस्तों। तो चलिए फुल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको ट्रैक्टर के बारे में कि इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में आपको ट्रैक्टर कब तक देखने को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और उसका चीट कोड क्या होगा। तो सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। उससे पहले हमारे कुछ व्यूअर जो कमेंट किया करते थे कि भाई जो न्यू अपडेट है वो आने वाले कब तक है, तो दोस्तों न्यू अपडेट के पर कोडिंग चल रही है, बहुत जल्द आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। तो हमारे कुछ व्यूअर जो ट्रैक्टर का अपडेट अभी देखना चाहते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे मैंने आपको इमेज दिखा दी है, आप इंडियन बाइक ट्रैक्टर वाला गेम दोस्तों सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। रोहित गेमिंग भाई का है ये दूसरा गेम है, लेकिन इसमें आपको ट्रैक्टर चलाने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा औसम दोस्तों ये अपडेट यानी गेम है। आप इसे सिंपली चला के जरूर देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और उसी के साथ दोस्तों ये बता दूं कि इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में ट्रैक्टर का अपडेट आपको कब मिल सकता है, तो दोस्तों इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में अभी ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करोगे तो जो दोस्तों उनका दूसरे गेम में जो ट्रैक्टर है वो आपको इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में लग जाएगा, यानी इसमें भी न्यूज़ का अपडेट आ जाएगा। तो सोचो दोस्तों कितना औसम हमारा ये गेम लग जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर का भी अपडेट आ जाएगा तो थोड़ा और औसम ये गेम हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ट्रैक्टर का अपडेट इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करो यार, क्योंकि आपके ही कमेंट करने में सारे अपडेट आते हैं। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इंडियन बाइक डाउन 3D गेम में आपको ट्रैक्टर का भी अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगा और उसका चीट कोड भी। तो दोस्तों इस वीडियो में यही ऑसम न्यूज़ देनी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अगर ट्रैक्टर का अपडेट चाहते हो तो उसके लिए सिंपली कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय दोस्तों।